लास्ट लेक्चर में हमने नैंड गेट किया था जो एक यूनिवर्सल गेट है. इस लेक्चर में हम नॉर गेट करेंगे. दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट. नॉट ऑपरेशन क्या है बेसिकली? नॉट और का जो कम्बिनेशन है वो नॉर ऑपरेशन है. और गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करके हम नॉर गेट बना सकते हैं. जैसे ये कोई और गेट है, टू इनपुट और गेट. दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी. तो और गेट के आउटपुट हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे? दिस इज ए और बी. उसके बाद हम यहाँ पर एक नॉट गेट लगाएं तो ये इस आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा. ए और बी कॉम्प्लीमेंट. सो ये जो आउटपुट है ये नॉर गेट के आउटपुट है. इसी तरह से हम यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने किया था, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ए बार डॉट बी बार. सो डी मॉर्गन्स थ्योरम करके इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहां पर ए बार डॉट बी बार आ जाएगा. इस ऑपरेशन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं. यहां पर दो इनपुट हैं ए. इनिशियली हम नॉट गेट लगाएंगे. सो दिस इज ए बार और यहां पर एक नॉट गेट लगाया. दिस इज बी, बी बार और यहां पर हम एक एंड गेट लगाएं. तो ये जो आउटपुट है दिस विल गिव अस ए बार डॉट बी बार. तो ये भी नॉर ऑपरेशन है. अब हम इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल ऑफ नॉर गेट. नॉर गेट का सिंबल कैसे होगा? इस तरह से और गेट और यहां पर एक बबल. ये बबल इन्वर्जन को शो करता है जो नॉट गेट का फंक्शन है. ए बी टू इनपुट नॉर गेट है. सो ये वाई जो आउटपुट है ये नॉर गेट के आउटपुट ए और बी कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहां पर इनसाइड बबल हम लगाएंगे. ये दिस इज ए, दिस इज बी और आउटपुट में ये नॉर गेट का फंक्शन हमें देगा. सो इस तरह से सिंबल हम बना सकते हैं. ये भी नॉर गेट के इक्विवेलेंट है और ये सिंबल भी नॉर गेट का है. अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं. ट्रुथ टेबल क्या है? ये हमें आउटपुट देते हैं विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. सो टू इनपुट नॉर गेट हम देखें तो टू इनपुट नॉर गेट के लिए हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे. तो इसके लिए हम ए बी इनपुट हैं और वाई आउटपुट क्या है? ये ए बी कॉम्प्लीमेंट. इनपुट 00 01 10 11. अब यहां पर हमें पता है कि जो और गेट की इक्वेशन है ए और बी उसमें हमें आउटपुट कैसे मिलती है? यहां पर हमें जीरो मिलता है जब इनपुट 00 है. और गेट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक इनपुट हाई है दोनों में से तो हमें आउटपुट हाई मिलेगी. तो यहां पर दोनों लो है तो आउटपुट क्या रहेगी? लो. और गेट के लिए यह है और गेट के लिए. और यहां पर वन रहेगा उसके बाद 101 111. सो ये और गेट की आउटपुट है. तो नॉर गेट के लिए हम इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये 0 = 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. सो दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट. अब हम देखते हैं नॉर गेट के लिए टाइमिंग डायग्राम्स. टाइमिंग डायग्राम क्या है बेसिकली? यदि हम दोनों इनपुट्स पे, मान लो टू इनपुट कोई नॉर गेट है और उसके इनपुट में हम वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं. जैसे ये इनपुट ए पे हमने ये वेव फॉर्म अप्लाई किया, इनपुट बी पे हमने
ये वेव फॉर्म अप्लाई किया तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या आउटपुट मिलेगी। मान लो आउटपुट y हम चेक करें तो अब इसके लेवल्स हम लिखते हैं यहां पर 0 और 1 दो लेवल दिए हुए हैं। तो इस वेव फॉर्म के लिए ये लेवल यहां पर इस पल्स के ड्यूरेशन में 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है। और यहां पर जो इनपुट b हम अप्लाई करेंगे उस केस में हम देखें तो ये 1 है, ये लेवल 0 और 1 है ये लेवल, तो ये 1 है यहां पर, यहां पर 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। अब आउटपुट वेवफॉर्म हम यहां पर देखेंगे y, तो वो हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली। जब इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या है, बेसिकली 0 और 1 आउटपुट है, 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या है, 0 है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में पल्स में यहां पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर पल्स में क्या आउटपुट इनपुट है, 1 1 1 1 के लिए क्या आउटपुट रहेगी, 0, तो यहां पर ये 0 ही रहेगा। उसके बाद इनपुट क्या है, इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 0 है, तो 1 0 के लिए भी 0 ही रहेगा। नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसमें हमें सिर्फ जब दोनों इनपुट लो होंगी तो हाई मिलेगा, वरना सभी इनपुट्स पे हमें 0 मिलता है। तो नेक्स्ट क्या है, दोनों इनपुट यहां पर लो हैं तो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, 1 मिलेगा इस तरह से। और उसके बाद 0 1 है तो फिर ये 0 आ जाएगा इस तरह से। तो ये टाइमिंग डायग्राम मिलेगा जब हम नॉर गेट की इनपुट ए पे ये वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं और बी पे ये, तो आउटपुट, रिजल्टिंग आउटपुट ये होगी। इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जिसके इनपुट में हमें वेवफॉर्म्स दिया है और रिजल्टिंग आउटपुट हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गेट आईसी हम क्या यूज करेंगे, कि इस नॉर गेट के लिए कौन सा आईसी हम यूज करते हैं। तो इस नॉर गेट के लिए आईसी यूज होता है 7402 आईसी है जो हम यूज करते हैं नॉर गेट के लिए। ये एक 14 पिन टीटीएल आईसी है ये, और इसके अंदर 4 नॉर गेट होते हैं। इसके अंदर 4 2 इनपुट नॉर गेट्स हैं इस आईसी के अंदर। अब इसका पिन डायग्राम हम देखते हैं कि पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे है इसकी। ये पिन डायग्राम है आईसी 7402 के लिए। ये स्लाइटली डिफरेंट है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में नैंड गेट में या बाकी गेट्स में हमने देखा था कि 14 पिन आईसीज हैं और उसमें 1 और 2 इनपुट्स होती थी, बट इसमें 1 आउटपुट है और 2 और 3 इनपुट्स हैं। पिन नंबर 1 आउटपुट, पिन नंबर 2 और 3 इनपुट्स हैं। उसी तरह से 4 आउटपुट, 5 और 6 इनपुट्स हैं, और एज यूजुअल जो 7 पिन है वो ग्राउंड पिन है। उसके बाद 8 और 9 पिन्स इनपुट हैं और 10 पिन आउटपुट है। उसके बाद 11 और 12 पिन इनपुट है, 13 जो है वो आउटपुट है, और 14 पिन प्लस वीसीसी है। तो ये पिन डायग्राम है आईसी 7402 के लिए। अब हम देखते हैं कि नॉर गेट एसोसिएटिव लॉ के लिए कैसे बिहेव करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो दो गेट्स हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट्स, जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये फॉलो नहीं करते एसोसिएटिव लॉ को, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। तो नॉर गेट जो हम स्टडी कर रहे हैं ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए हम क्या लिखेंगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी और ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए की वैल्यू 1 माने एंड बी की वैल्यू हम 0 मान के चलें, तो ये क्या आ जाएंगे वैल्यूज यहां पर, दिस इज 1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। सो 1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा,
जीरो एंड दिस इज जीरो. सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है. इट मींस कि जो नॉर गेट है वो कॉमुटेटिव लॉ को फॉलो करता है. अब थर्ड केस हम देखते हैं कि अनेबल एंड डिसेबल्स कौन सी इनपुट्स होंगी. अनेबल एंड डिसेबल, इसके लिए हम ट्रुथ टेबल लिखें नॉर गेट की. ए बी वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन. सो ये वन जीरो जीरो जीरो, ये ट्रुथ टेबल है किसके लिए, नॉर गेट के लिए. अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टू इनपुट्स हैं यहां पर, जब ए की वैल्यू को हमने जीरो किया तो उस टाइम पे बी की वैल्यू जीरो थी तो आउटपुट हमें मिल रही थी वन, और वन जब मिल रहा था तो आउटपुट मिल रही थी जीरो. इट मींस कि ये चेंज हो रही है आउटपुट वैल्यूज, तो इस केस में अनेबल का काम करेगी ये जीरो पिन, और इसका उल्टा मिल रहा है जीरो का वन आउटपुट एंड वन का जीरो, तो अनेबल इन्वर्टर इनपुट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, अनेबल इन्वर्टर इनपुट. यदि हम इसको गेट के फॉर्म में हम लगाना चाहें, इसको गेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इस तरह से ये नॉर गेट है और दिस इज पिन ए जिसको हमने जीरो कर दिया है, दिस पिन इज बी. तो यहां पर जो वाई है दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब बी इज इक्वल टू यहां पर जीरो वैल्यू है तो आउटपुट हमें वाई क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है यहां पर, और जब बी की वैल्यू वन है तो आउटपुट हमें जीरो मिलता है. सो ये इन्वर्टर का काम करता है, इन्वर्टर अनेबल पिन है इसकी जीरो. इस तरह से दिस इज बी इनपुट, वाई इज इक्वल टू बी बार. अब सेकेंड केस देखते हैं, जब ए की वैल्यू वन है यहां पर, तो जब बी की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो आउटपुट जो हमारी वो क्या रहती है, फिक्स रहती है. दिस इज फिक्स्ड आउटपुट, जीरो है तो भी जीरो ही रहेगा, वन है तो भी वन ही रहेगा. इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे कि जो वन है वो एज ए डिसेबल का काम करेगा किसके लिए, नॉर गेट के लिए. तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसको नॉर गेट. यहां पर ये ए पिन है जिसको हमने वन किया है और यहां पर वाई है, तो बी की वैल्यू जब जीरो है सो वाई की वैल्यू जीरो ही है, और बी की वैल्यू जब वन है तो वाई की वैल्यू भी जीरो ही है. तो ये एज ए डिसेबल का काम करेगी जीरो इन, तो एज ए डिसेबल का काम करेगी वन इनपुट. तो इस तरह से वन एंड जीरो अनेबल एंड डिसेबल का काम करते हैं. जीरो इनपुट अनेबल का काम करेगी और जो वन इनपुट है वो डिसेबल का काम करेगी नॉर गेट के केस में. अब देखते हैं कि अनयूज्ड इनपुट्स के लिए कैसे बिहेव करता है. तो ये जो नॉर गेट है वाई, तो यहां पर ए है, जो भी अनयूज्ड इनपुट है फ्लोटिंग इनपुट है इसको हम जीरो यहां पर कर देंगे, बिकॉज जीरो क्या है वो अनेबल पिन है, जीरो जो है वो अनेबल इनपुट है नॉर गेट के लिए. तो हम इस तरह से जीरो उसको कनेक्ट कर सकते हैं अनयूज्ड या फ्लोटिंग इनपुट को. सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, कि यहां पर जो भी हम अनयूज्ड इनपुट है उसको हम यूज्ड इनपुट के साथ शॉर्ट कर सकते हैं. और नेक्स्ट केस, यदि हम ECL लॉजिक यूज करते हैं, तो ECL लॉजिक यदि हम यूज करते हैं तो इसको हम ओपन रखेंगे. ECL यदि हमने यूज कर रखा है लॉजिक, तो इसको हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, बिकॉज जो ECL पे जब ओपन है तो ओपन सर क्या काम करेगी, ओपन पिन इसके लिए जीरो का काम करेगी, और जीरो जो है वो क्या है, जीरो इज अनेबल फॉर नॉर गेट, जीरो जो है वो अनेबल है नॉर गेट के लिए. तो इस पार्ट में हमने नॉर गेट स्टडी किया है, बाकी के जो रिमेनिंग गेट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन. थैंक यू.